उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में दिल दहला देने वाली हुई घटना, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण कृष्ण गोपाल दीक्षित की लगभग 21 वर्षीय बेटी नेहा दीक्षित एवं 55 वर्षीय पत्नी प्रमिला दीक्षित को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न करने के कारण जिंदा जलती मां बेटी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को रोके जाने से ग्रामीण भी जलती हुई मां बेटी को बचाने घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाए, जो आखिर में शाम को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा पीड़ित परिजनों को उनकी मांगों का आश्वासन देने पर मां बेटी के जले शवों को पोस्टमार्टम हेतु पुलिस को उठाने दिए गए। देखिए ये रिपोर्ट। ये शव सरकार के इशारे पर चल रहा है, इनको बदला जाना चाहिए, हम लोग पीछे नहीं रखेंगे। और जब तक पीड़ित परिवार की मांगे पूरी नहीं होती है, डेथ बॉडी यहाँ के नहीं उठने दी जाएगी। हमारे हजार जो झोपड़ी में रहता था, आज उसकी 21 साल की बेटी, जिसकी अभी हमें पता चला कि एक ही महीने के बाद उसकी शादी थी, आज वो जिंदा जल गई है। उसकी डेथ बॉडी को देखिए, घर को शमशान बना दिया, और पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आने से लोगों को रोक रहे हैं, कह रहे हैं डेथ बॉडी उठ जाने दो। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, वो क्या डेथ बॉडी उठाओगे जब आपने घर में शमशान बना के उन्हें जिंदा जला दिया, तो अब इनको कहाँ उठा के ले जाओगे। धिक्कार है ऐसे पुलिस और प्रशासन को। मेरी सरकार से मांग है कि इतने निष्क्रिय और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के एकदम से ढांचे को बदला जाना चाहिए। वर्तमान पुलिस और प्रशासन का ढांचा ये समाज हित में नहीं है, ये गुंडागर्दी, ये माफियागिरी, ये जितने भी अवगुण होते हैं, सबसे परिपूर्ण है पुलिस प्रशासन। ये घटना भ्रष्टाचारी प्रशासन की लापरवाही से हुई, और अफसोस है कि ऐसा प्रशासन जो मौके पर मौजूद था, लेडीज पुलिस कर्मी थे, एसडीएम लेवल का अधिकारी यहाँ था, और जब आग लगी तो यहाँ से भाग गए, और बाकी गांव के लोगों को आने भी नहीं दिया जा रहा था, और खुद भाग गए। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने इंसानियत को इतना कलंकित किया है, इन्होंने पुलिस प्रशासन के नाम पर एक इतनी भयानक घटना की गई है, जिसके लिए समाज इनको माफ नहीं करेगा। हम लोग किसी भी तरह से पीड़ित परिवार को हर हालत में